अच्छा सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है दोस्तों, आप पर हमारा यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों, अभी मैं पाक्स फाइनेंस मिनिस्टर बैगिंग फॉर ट्रेड विद इंडिया। हाँ जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आई है उससे ये लगता है कि पाकिस्तान एक किस्म का घुटनों पर है कि ऐ इंडिया वालों, ऐ मोदी जी हमसे ट्रेड कर लो, नहीं तो हमारी तो बत्ती गुल होने वाली है। खैर देखते हैं इसको, पाकिस्तान आम क्या बोलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं बालू। तो आज जो खबर आई है वो पाकिस्तान से आई है। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया था, पाकिस्तान से ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने कहा कि भैया हम जो है भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब भारत के साथ ट्रेड ना करके ये कोई हमने अच्छा काम नहीं किया है। तो एक तरह से फिर से वही रट रटाई बातें, गिड़गिड़ाना, भारत के सामने एक तरह से भीख मांगना कि भैया प्लीज़ शुरू कर लो। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया डिटेल दी है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता से निमरा ने सवाल पूछे इस खबर पर। तो चलिए देखते हैं कि भाई कि पाकिस्तान की जनता अकड़ में जवाब देती है या थोड़ा अकल का इस्तेमाल करती है। अकल या अकड़, दोनों में से क्या दिखाती है पाकिस्तानी जनता, देखते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमने गज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया किसी से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए अगर हमारे मोहतरमा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं और इज्जत चाहती हैं, वरना कहने को मैं भी और भी कई तरीके आते हैं आपको बेइज्जत करने के। आप हैं एक लड़की, लेकिन एक दायरे में रहकर आपको बेइज्जत कर सकता हूँ। बेइज्जत करने का मतलब कि आपको कहूँगा कि आप जाहिल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आपने अगर साबित कर दिया कि भारत ने ये कब आपके खिलाफ ये बात कही कि ये रस्म रिवाज पाकिस्तान के ठीक नहीं है, ये रस्म ठीक नहीं है, हमने कब रिलीजन पर सवाल उठाया भारत सरकार की तरफ से, बता दीजिए कब भारत ने सवाल उठाया। क्या भारत में अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है तो उसकी बात हम ना करें, या कोई पाकिस्तानी हमारे खिलाफ काम करता है हम उस पर बात ना करें, या पाकिस्तानी हम पर अटैक करता है तो हम उसकी बात ना करें, नहीं की जाए। वाह, हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी नहीं करते हम, नहीं करते पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना फिर ऐसे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। कभी आपने ये भी सुना हो कि पाकिस्तान ने भारत की तारीफ कर दी हो मैडम, कभी ये सुना है? पाकिस्तानी मीडिया ने कभी भारत की तारीफ कर दी हो, कभी सुना है? तो जब आप तारीफ नहीं करते और आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी तारीफ करें, चप्पल उठा के दूर फेंक दूंगा, एक चप्पल से जाना पड़ेगा आपको, और सड़क पे एक चप्पल और एक में चप्पल नहीं पैर होगी तो दिक्कत होगी आपको, समझी? हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज की तारीफ करें? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फर्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी आवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके ममालिक भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। तो पूरी दुनिया कहती है तो इंडिया कौन सी कम है? मैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इंडिया कौन सी कम है? और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत की जाए। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब अकल बट रही होगी ना तो आप घास खा रही होंगी, क्योंकि अगर आप घास नहीं खा रही होती तो आपने जो बातें कही हैं आपको खुद समझ में आई बातें कि आपने क्या कही हैं? अच्छा चलिए ये खबर लगाता हूं। सऊदी अरब ने 60 पाकिस्तानियों को, 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लटका दिया, सरेआम फांसी दे दी, इसकी बात ना की जाए, ये भारत ने कराया है। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं टेरर एक्टिविटीज में, टेरर प्लॉटिंग में, वो भारत ने कराया है।
लड़कियां छेड़ते हुए सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं टर्की में, पाकिस्तानी, और ये भारत ने कराया। कनाडा में पकड़ा जाता है पाकिस्तानी 25 साल का नौजवान जो सुपारी लेकर जा रहा होता है लोगों की मर्डर करने, आतंकवादी घटना देने अमेरिका में, वो भारत ने कराया और इसकी बात नहीं की जानी चाहिए। मैडम आपको पता है आपने कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात की? इससे पता चलता है कि आपके अंदर अकल कितनी ज्यादा है। समझ में आ रही बात? अगर मेरी आपको बात पहुंचे तो आईने के सामने जाकर खड़ी होइएगा और मेरी कही बातों को सोचिएगा और उसके बाद अपने ऊपर शर्मिंदा हो जाइएगा। पाकिस्तान की तिजारत की जाए कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। नहीं चाहेंगे, नहीं कभी भी। ऐसा क्यों? वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो, तो हो नहीं सकती इनकी ये कम, तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत, पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फर्क आ गया। क्या फर्क आया? बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं पाकिस्तान, माना के। हाँ मैडम बात तो सही है, आज से 10 साल पहले आप कुछ और नजर आती थी, आज आप 10 साल बाद आप में बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आ गई हैं। हाँ तब्दीली तो हुई है, पहले वाली बात नहीं रही, पहले वाली आदमी तो आप रही नहीं, वो अब बदल गई हैं। पहले हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग रहा भी हो, लेकिन अब आके वो दिमाग बदल गया आपका, वो भी नहीं रहा, तो तब्दीली आई ना। कि एक नॉर्मल लड़की से आप एक जाहिल लड़की में बदल गई। अरे या तो कैमरे पर बोलने मत आया करो बहन, बोलने मत आया करो बहन, क्योंकि जैसे ही जबान खोलती हो ना, अंदर क्या भरा हुआ बाहर निकल जाता है और वो दिखता है हमें गोबर। तो या तो पढ़ाई करो ढंग से, जाओ ढंग से पहले पढ़ाई करो फिर आके ज्ञान देना। कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आगे है, कि इंडिया हर चीज़ लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से, लेकिन अच्छा पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि आप पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा, पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्जाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसी ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है, आपस में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी, तिजारत नहीं रुकी, तो हम लोग क्यों तिजारत रोक, हमने क्यों 2019 में तिजारत रोकी कि भाई कश्मीर नहीं जब तक हम लोग अलहदा करवा लेते, वहाँ आर्टिकल बहाल नहीं हो जाता तब तक नहीं तिजारत करेंगे। इन्होंने कहा था कश्मीर को आज़ाद करवाओ, मतलब बहुत ज़रा जुल्म वगैरह हो रहे थे लेकिन वो नहीं माने, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। तो अब आप सोचो कैसे इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है, उनकी तिजारत कैसे हो सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पोजिशन में हम हैं, हमें कश्मीर का नाम भी लेना जेब देता है? नहीं, हमारा अपना कश्मीर हमसे बगावत कर रहा है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा पाकिस्तान खुद पता नहीं किस लेवल पे जाता जा रहा है, मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान इतना डाउन लेवल पे हो रहा है कि आप यकीन माने मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हर किंग आप भी मीडिया वाली हैं, न्यूज़ आती जा रही है, ये पंजाब कॉलेज का पीछे वाकया हुआ था सबको पता है। खुद सोचे अगर एक माँ बाप अपनी बेटी को कॉलेज इतनी सेफ जगह पे पहुँचा रहे हैं तो उससे सेफ जगह और कौन सी हो सकती है कॉलेज से? क्या लड़कियों पे तलीम हासिल करना हराम हो गया? क्या वो तलीम हासिल नहीं कर सकती? कितने वाकयात हो रहे हैं अभी आप पर... बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। अफगानिस्तान में क्या हुआ है? शरिया लॉ लगते ही लड़कियों की तालीम बंद, और इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून आए कि इस तरह से घूम नहीं पाएंगी आप लोग सड़कों पर। और मैडम जितना टाइम आपने ये बाल कलर करवाने में लगवाए होंगे ना, उतना टाइम अगर आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती तो आज आप क्या बोल रही हैं, क्या लॉजिक दे रही हैं। आपको प्यास लगी है? हाँ जी प्यास लगी है, एक थप्पड़ मारूं? हाँ जी मार लीजिए प्लीज़ एक थप्पड़। पानी पियोगी? नहीं प्यास मिट गई है। इस तरह की बातें कर रही हैं आप, उलूल जुलूल पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही बात।
आप पंजाब कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं रहती हूँ राणा टाउन, राणा टाउन से हमारे पिछला स्टेप रचना टाउन में ये वाकयात हो चुके हैं। अब कुछ सोचिए क्या हमारे ये पाकिस्तान में लड़कियाँ सेव रहती हैं? कभी भी नहीं, लड़कियों को छोड़ो बच्चियाँ तक सेव नहीं है हमारे पाकिस्तान में। और हम पाकिस्तान से और क्या उम्मीद लगाएं? जिस पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं सेव, जिस पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, पीछे क्या रह गया? हुकूमत, देखो मैं सीधी साफ सी बात कहूँगी, हुकूमत कहते हैं ना कि पैसों पर बिक रही हुई है। पाकिस्तान को हर महाज पर इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और अभी भी हम बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं इंडिया के साथ। पाकिस्तान को ज़रूरत कभी कभी पड़ती है इंडिया की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों पड़ती है। इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ आपस में कंपैरिजन हो। चलो पाकिस्तान फिर भी चांसेस ले लेता है, एक दो चांस ले लेता है, लेकिन इंडिया वो भी नहीं लेगा चांस। इंडिया कहते हैं हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी कंट्री फर्स्ट है। मैं खुद कहती हूँ उनकी हमारे पाकिस्तान से नस्बत तो वो आगे हैं ना, तरक्की के लिहाज से बहुत आगे हैं वो। हमारा पाकिस्तान क्या मैं कहूँ अब। वो कहते हैं जब तक टेररिज्म दहशतगर्दी एंड नहीं होंगी हम तो किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है क्या ट्रेड बहाल हो पाएगी? अगर हुई भी तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है? हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे हैं। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। इंडिया ये चाहता है, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। हाँ तो हम फिर कोई काम के बन के दिखाए ना। मैं चाहता हूँ कि अगली बार से आप ना इंटरव्यू देने नहीं आए। क्या आप ऐसा करेंगे, मानेंगे मेरी बात? क्योंकि जो मुंह से बोल रही है वो गोबर ही उगल रही है। आप सुन के बहुत बुरा लग रहा है बहना, लेकिन क्या करूं बहन, जो बात सच्ची है वो बोलनी पड़ेगी ना। ऊपरी माला खाली है आपका मैडम, तो आप मेरी बात मानेंगी? मेरी चाहत है ये कि आप अगली बार से इंटरव्यू देने मत आए। नहीं तो आपके पास पड़ोस वाले अगर मेरा ये वीडियो देख लेंगे, जो आंटियां आपसे जलती होंगी वो तो आपके खिलाफ मेरे वीडियो की मेरी बातों का इस्तेमाल करेंगे। गई थी जवाब देने, गई थी इंटरव्यू देने, झूठी झूठी बातें बोलकर आ गई, खुद को साबित कर रही थी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं लेकिन दो धेले भर का ज्ञान नहीं है। ट्रोलिंग हो जाएगी आपके मोहल्ले में मैडम। दिखाते क्यों नहीं हुकूमत, लड़ने से बाज आए तो कुछ करे ना। नहीं, आप कह रहे हो कि अगर ट्रेड हो भी गई दोनों कंट्रीज के दरमियान तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। नहीं होगा फायदा। देखो जो चीजें हम इंडिया की मंगवाते घुमा कर दुबई से और एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं वो सीधा हमें इंडिया से आ जाएंगी, कम पैसों में हम खरीद पाएंगे। तो जाहिर है, यही मैं कह रही। अच्छा मजे की बात क्या है, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रेड वाले वीडियो में, आपको पता है हमारी तरफ से आपको जीरो डॉलर्स दिए गए, मतलब हमने आपसे कुछ भी नहीं मंगाया, जीरो कुछ मंगाया। और आपने हमसे पता है कितने का मंगवाया है सामान? 235 मिलियन डॉलर्स। तो हमारा तो फायदा हो रहा है यार, ये बात तो सही है। पाकिस्तान से हमने इंपोर्ट किया जीरो और हमने एक्सपोर्ट किया 235 मिलियन डॉलर। 235 मिलियन डॉलर पाकिस्तान ने हमें दिए हैं भारत को ट्रेड में, दवाइयां और भी चीजें मंगवानी। ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना। 235 मिलियन डॉलर्स, समझ रहे हो? हम तो हर जगह से उगाही करना जानते हैं, आपसे भी ले लेंगे पैसे। भारत पाकिस्तान का दुश्मन है लेकिन पाकिस्तान से 235 मिलियन डॉलर हमने वसूल लिए। उगाही मतलब ऐसे नहीं किए, जबरन नहीं लिए भाई, सामान भेजा है, दवाइयां भेजी हैं। यही मैं कह रही हूँ कि कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया के। वैसे मैं कहती हूँ ना हो। आप क्यों कहते हो ना हो? क्योंकि मैं कहती हूँ जब तक पाकिस्तान थोड़ी सी तब्दीली लाए अपने में, लेकिन तब तक, और ये पाकिस्तान कभी चाहेगा नहीं अपने में तब्दीली लाना। तब्दीली तो यार देखो, बहुत आप भी इधर रहते हो पाकिस्तान में, क्या कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही क्या कुछ नहीं हो रहा। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, गजवा हिंद करनी, कभी भी नहीं कर पाएंगे गजवा हिंद करनी है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हमने ट्रेड करनी है। ये क्या है? एक जुबान ही नहीं है, सीधी साफ सी बात है। कभी कहते हैं कि हमने दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान की ये मतलब अनाउंस करना है पाकिस्तान ऐसे ऐसे। भाई जब पाकिस्तान सही होगा तो दूसरे ममालिक जाओगे ना, दूसरे ममालिक पाकिस्तान के एक भी फर्द को बर्दाश्त नहीं करता तो झंडा कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक फर्द को नहीं करता तो झंडा तो दूर की बात है। ऐसा तो नहीं है कि अब IMF ने कड़ी शराइत लागू कर दी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का कोई यहाँ इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगेगा, तो
इन शराइत पर हमें कर्जा मिल रहा है, तो अब इस वजह से तो नहीं कहीं हम इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहे कि चलो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी? शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है किसी भी दूसरे ममालिक के साथ, कि हमें किसी मुल्क से चीज़ लॉन्चिंग आ रही है, कोई भी फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान ये समझता है। लेकिन फिर वही बात है, दूसरा ममालिक थोड़ी पागल है, पागल तो नहीं है ना दूसरा ममालिक, वो बस यही समझेगा कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझता, सीधे साहब सी बात, बिल्कुल नहीं सही समझता वो। थैंक यू। मे भी करनी चाहिए, करनी चाहिए जी। क्यों? बिकॉज आपस में रिलेशन अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा? काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। मसलन जैसे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम लोग उनका अच्छा नहीं समझते, सो ये करने के मतलब बाद ना एक दूसरे को अच्छा जाने लग जाएंगे, और जो आपस में। तो मैडम ट्रेड तो अभी 5 साल पहले ही बंद हुई है, तो उससे पहले इतनी लंबी ट्रेड चली तो हम एक दूसरे से अच्छा नहीं समझ पाए अभी तक। अरे आपका भी ऊपरी माला खाली है मैडम, अरे कुछ किरायेदार भरिए ऊपरी माले में जो आपको सिखाए पढ़ाए, कमाल की बात है। में मतलब लड़ाई झगड़े जो भी चल रहा है वो काफी हद तक अच्छा हो सकता है, लेकिन इंडिया हमेशा कहता है नो रिलेशंस विद पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करते ये लोग। देखिए पाकिस्तान ने खुद ही अपना नाम ही खराब किया है, ठीक है, जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक लड़की अकेले नहीं जा सकती, यहाँ पे अगर मतलब कोई लड़की अकेली जा रही है, कोई स्कूल नहीं जा सकती, बिकॉज हर जगह पे लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है, और ये मतलब हर कोई हर चैनल पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़राब हो चुका है। तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि जब आज़ाद मुल्क बनाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर लड़कियों की हिफाजत के लिए कोई चीज़ बनाए जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम अच्छा हो। वो कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करें, क्या उनकी बात सच्ची है? सच है, काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान पहले था वैसा अब है। पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले ऐसा था मतलब हमने जब देखा है ना बचपन से लेके अब तक, तो मतलब ऐसा नहीं था जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और महंगाई भी अब आपको पता है कितनी ज़्यादा चल रही है, और जैसे पहले मतलब सुनने में आया कि लड़कियाँ कहीं पर भी चली जाती थी इजीली, कुछ भी नहीं होता था, अब मतलब कुछ भी वैसा नहीं है पहले जैसा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया। और मतलब दहशतगर्दी तो इंडिया में भी है, ये आपस में एक दूसरे को खुद ही मतलब बदनाम किया हुआ है। अच्छा पाकिस्तान को हर महाज पर इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल इंडिया कहते हैं पाकिस्तान के होने ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमें तिजारत बहाल करनी है इंडिया के साथ, तो मुझे लगता करनी चाहिए, फ़ायदा होगा हमारा। मे बी हो सकता है, वैसे क्या आपको क्या लगता है? मे बी मतलब पर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट एक बार इंसान को चांस देना चाहिए। 2019 से पहले तो हमारी उनसे तिजारत हो रही थी ना, फिर हमने कहा कि हमें पहले कश्मीर चाहिए, हमने तिजारत बंद कर दी 2019 में। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है, अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ये पाकिस्तान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इनके साथ गलत हो रहा है ना, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, अगर एक आवाज़ उठेगी ना तो फिर काफ़ी आवाज़ उठ सकती है। पाकिस्तान किन से डरता है? सबसे डरता है। मसलन पाकिस्तान में अब इतनी बहादुरी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है, किस बात का उनको खौफ है, कि एक दूसरे के लिए ना खड़े नहीं हो सकते और एक साथ हम आवाज़ नहीं चल सकते वो लोग। बाप रे बाप, मैडम आप पर फतवा जारी निकल जाएगा, आपने मुसलमान देश में मुसलमान होकर मुसलमानों के लिए बात कह दी कि पाकिस्तानी डरते हैं। अरे बाप मैडम, पहचान छुपाइएगा, फतवा निकल जाएगा, कोई पकड़ लेगा आपको किसी दिन कि आपने भूल कैसे दिया ऐसे। मुसलमान तो एक मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है, और आप कह रही हैं कि मुसलमान डरता है। अरे बाप वो लगता है इनको वो 93,000 सरेंडर वाली बात पता होगी। हाँ ये हो सकता, तभी ये बात बोल रही हूँ। वैसे 93,000 पर एक टी शर्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ, बड़ा मज़ेदार, जल्दी ही इसकी घोषणा करूँगा और जल्दी ही पीछे फोटो भी लगने वाली है 93,000 की, चिंता मत करिए। खुशी को यही बात है कि हम तिजारत उधर करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारा तो वो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ से वो हमें तंग कर रहा है, तो क्या आप ये अच्छा समझ रही हैं कि जो
कश्मीर में हो रहा है। जो हम अपने मुल्क में या हम अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो सब क्या है? वो भी गलत हो रहा है, हम गलत हो रहा है, लेकिन इनको चाहिए कि ये देखना चाहिए कि जैसे कि और मुल्क हैं उनके साथ आप करें तजारत। इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। 2000 देखिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ तो फिर चाइना भी है, लेकिन चाइना के तो हम पाउंड होते हैं। वहाँ पे हालांकि मस्जिदों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के अच्छे हालात नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, झंडे भी लहराते हैं। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया से तो हम वैसे ही बागी हैं। क्यों? बस नहीं ना अच्छा समझते मुझसे, क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ है बहुत ज़्यादा। हमारे उधर कश्मीर में मुसलमान जो है शहीद होते हैं, हम उनके हक में हैं। आप हैं ना, तो चलें ये भी उनको चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ हम उनके हक में हैं। जी तो इस तरीके से अगर हम वहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो भी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहुत तंग है। नहीं हम मानते नहीं हैं। नहीं लेकिन उधर एक बात है कि वहाँ मुसलमानों को सहूलत नहीं मिल रही। गलत बात है, हमसे ज़्यादा सहूलत मिल रही है। 300 बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं। जो एक स्कीम बनती है वो तमाम के लिए होती है, ऐसा नहीं होता कि ये मुसलमान नहीं अवेल कर सकते, सिख नहीं अवेल कर सकते। नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ये पाकिस्तान का अलाउड नहीं है कि वो इधर से उधर जाएं। हम तो यही कहेंगे कि ना ही हो तो अच्छा है। 2019 से पहले हो रही थी? हाँ हो तो रही थी, लेकिन उसमें नुकसान भी तो हो रहा था ना, ये भी देखे ना, फायदा हो रहा था नुकसान नहीं। आपको पता है हम इंडिया की चीजें लेते हैं, हम अब घुमा के दुबई के जरिए लेकर आते हैं और हम डबल पैसे भरते हैं। जब डायरेक्ट वहाँ से आ रही थी तो कम दाम लग रहा था। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर आप उनसे बोलें कि ये कर लें, आपको फायदा लगा रहा है। फायदा तो और भी मुल्कों में है। और मसलन हम भी तो यही कर रहे हैं, हमारा भी यही कहना है। मैं इस आंटी जी के साथ हूँ, भैया मत करो ट्रेड, कोई जरूरत नहीं ट्रेड करने की, हमसे कोई सामान मत लो। क्यों लेते हो? अभी आंटी जी दवाइयां खा रही होंगी, वो मेड इन इंडिया दवाई होगी, इनको पता भी नहीं होगा कि मेड इन इंडिया दवाई खा रही है। इनके घर में मेड इन इंडिया मेकअप किट्स लगी होंगी जो इनकी बच्चियां और इनके लोग यूज कर रहे होंगे, मेड इन इंडिया के सामान खाने के आ रहे होंगे, केश तेल और ये सब जा रहा होगा, लेकिन वो अपने घर में नहीं देखेंगी। अगर आंटी जी आप बहुत इस्लामिक आदमी हैं और हम इस्लाम के खिलाफ हैं, तो सबसे पहले घर में जाके एक एक चीज ढूंढिए और उस पर लेबल देखिए मेड इन इंडिया का है, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए, उसको जला दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, तब तो बात होगी। मैडम ये जो कपड़े पहने हैं ना आपने, इसका रेशे भी मेड इन इंडिया है। economy as well and furthermore developing relationship with any country either it's India or any other country it will have a positive impact on our economy and our social welfare so we will have development on our country so that's good lekin aapko kya lagta hai India har mahaz par jaakar kehta hai ki jab tak Pakistan dehshatgardi khatam nahi karega tab tak koi relation nahi rakha jayega aur is tijarat ko khatam karne wale bhi hum the 2019 mein to abhi bar bar kyu ro rahe hain ki tijarat ho I would like to say that if we talk about terrorism if we talk about the battles that we are having with India the major problem was that the Kashmir issue which has always been there and there's no solution for that problem and basically India is the one that has been the root cause for all these problems so bullshit Pakistan is the root cause of every problem. You have 139 designated UN designated terrorists. Tell me one Indian name in that list. अगर आपको अंग्रेजी में ही समझना है तो इतनी बोल दी मैंने अंग्रेजी, इतनी बोलने आती है, अभी से ज्यादा नहीं आती। अब हिंदी में समझाता हूं। एक UN designated terrorist दिखा दो पूरे पाकिस्तानियों और बहन जी आपको भी, और आप कहें कि भारत रूट कॉज है प्रॉब्लम की। आप लोग हैं सबसे बड़े रूट कॉज, यू आर द टेररिस्ट। एक टेररिस्ट देश के टेररिस्ट लोग हैं आप लोग। आप लोग वैचारिक आतंकवाद फैलाते हैं। अपने में नहीं देखना है कि कितनी तंजीमें चल रही हैं आपके यहां जो आतंकवादी संगठन डिक्लेयर्ड हैं, वो नहीं देखेंगे आपको। हाफिज सईद नहीं दिखेगा, मसूद अजहर नहीं दिखेगा, जकीर रहमान लखवी नहीं दिखेगा। एक नाम बताओ ना इधर से, भारत से।
So we should be trading with India and we should have solutions on all the problems that are there between both countries. वो तो कहते हैं कश्मीर का इशू जो है वो खत्म कर दो, हम क्यों नहीं खत्म करते? देखे हम से अपने खुद के सूबे नहीं संभाले जा रहे, जो सच बात है। हमारे सूबों में खुद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम लोग कश्मीर को क्यों रो रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसमें ज़्यादा मसला ये नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स खुद हमारे प्रॉब्लम्स, असल में बात यह है कि जो इंडिया है उसके साथ जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो इसीलिए नहीं अच्छे आ पा रहे क्योंकि इंडिया का ही हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो खुद ही सही नहीं रखना चाहिए। क्यों? कोई तो वजह होगी ना। देखिए चाइना के साथ उनकी इतनी लगती है, लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं लेकिन ट्रेड फिर नहीं रुकी उनकी, और अब उनका हैंडशेक भी हुआ है 5 साल के बाद, तो हमारे साथ क्यों नहीं? हमारी तो पूरी हिस्ट्री इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट ये इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी और इन सब का जितने भी लीडर्स हैं इन सब का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुसलमान है या जो इस्लाम है और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो तरक्की ना कर पाएँ और रिजल्टेंटली उनका जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके। अच्छा मुझे ये देखिए इंडिया एक मैडम चैलेंज है आपको, आप तो अंग्रेजी में बतिया रही थी ना, मतलब पढ़ी लिखी लग रही है कि मैं अंग्रेजी बोलती हूँ तो बड़ी पढ़ी लिखी हूँ। चैलेंज है आपको, अगर आपने ये साबित कर दिया कि भारत में मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, भारत में मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलते, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होने के बावजूद 98% मुस्लिम देश होने के बावजूद वहाँ पर मुसलमानों के साथ गलत होता है, शिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ये स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, शिया मुसलमानों की मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, उनमें सैकड़ों शिया मुसलमान अब तक मारे जाते हैं, वहाँ की सड़कों पर शिया काफिर के नारे लगते हैं। क्या आपने हाल फिलहाल कभी सुना हो कि भारत में किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ हो और एक खास तबके का मुसलमान मारा गया? पाकिस्तान में मारा जा रहा है। बलोच हजारों की तादाद में युवाओं नौजवानों को गायब कर दिया गया है, उनकी लाशें मिलती हैं। कितने कश्मीरियों की लाशें मिलती हैं और गायब हैं? कितने? मैडम कुछ भी बकने से पहले, कुछ भी भौंकने से पहले पढ़ लिया कीजिए, इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। जनरल नॉलेज आप लोगों की बहुत 2 टके की भी नहीं है, खट टका भी आपसे ऊपर है, 2 फूटी कौड़ी की भी नहीं, समझी? एक सेक्युलर कंट्री वो कहते हैं कि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या वाकई लगता है कि जो मीडिया पर दिखाया जाता है वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा है आपको लगता है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कश्मीर का अगर मसला देखा जाए तो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका, लेकिन ये जस्टिस भी ये एक तरह का इनजस्टिस ही है, क्योंकि जो रैडक्लिफ का जो प्रॉब्लम्स रैडक्लिफ की वजह से जो उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन उसने ठीक से नहीं की थी उसमें कश्मीर को उसे सेपरेट कर दिया था जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता था, तब से लेके अब तक जो प्रॉब्लम आ रहा है। अरे कैसे पाकिस्तान के हिस्से में आता था मैडम? आपके हाथ में मोबाइल फोन है, वो आपके हिस्से में आता है, इसका प्रूफ है ना, आपने वो खरीदा है या आपके अब्बू ने खरीद कर दिया है, उसका बिल लिया है, वो चीजें आपके इस्तेमाल में है, कुछ तो प्रूफ दे दो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता। और रेडक्लिफ ने जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं किया, समझी? जाकर पढ़िए, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया था जम्मू कश्मीर ने, उसने बोला कि ना हम भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम एक सोवरेन कंट्री रहेंगे, सोवरन स्टेट रहेंगे। पाकिस्तान मान भी गया था, भारत नहीं माना था, भारत ने कहा था हम आप बात करेंगे, फिर आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने हमला करवा दिया। अकल घास चरने चली जाती है असल हिस्ट्री पढ़ने पर, चूरन कब तक खाओगी मैडम? आ रहा है वो रिलीजन की बेस पर ही मुझे तो लगता आ रहा है। कश्मीरी हमें खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपको पता है कश्मीर के अंदर कितनी डेवलपमेंट है? आप एक दफ़ा गूगल करें आपको पता लग जाएगा। या मैं इंडिया की फेवर या किसी कंट्री की फेवर नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, के जो फैक्ट्स हैं आप अभी गूगल भी कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत छोड़े निमरा, कहाँ गूगल करवाएंगी, जब जहनी रेडिकलाइज्ड है, जब वो पहले से फीडेड चीज़ें हैं उन्हीं को मानना है, बाकी किसी रियलिटी को सच स्वीकार ही नहीं करना, तो आप कुछ भी करा दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। और रही बात ट्रेड करने की, मैं बिल्कुल कहता हूँ कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए, नो ट्रेड। और करना क्यों है तुम्हें ट्रेड? काय गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो, क्यों करना चाहते हो ट्रेड? फंसे हुए हो तो भारत की याद आ रही है, चल हट, नहीं करनी ट्रेड, और बिल्कुल नहीं करनी ट्रेड। हाँ तुमसे डॉलर हम लेते रहेंगे, कोई बात नहीं दूसरे तरीके से,
दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों वीडियो भी खत्म। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक तो लोग सारे चप्पल उठाकर दूर फेंक दूंगा, जो वो बोलना चाहते थे वो भी समझ गया। चले ये भी उनकी मेहरबानी, उन्होंने गोल मटोल में बात कर दी। वो लड़की भी कुछ बातें ठीक नहीं कर रही थी। पहले मैं बात करूंगा श्री अला पर, अफगानिस्तान का हवाला दिया लोग सर ने कि मतलब अफगानिस्तान में श्री अला लगा तो औरतों की फीमेल की जो तालीम वो टोटली बंद कर दी। कहाँ है शरीयत में औरतों की तालीम पर बैन? मैं आपको तीन अहादीस सही हदीस का हवाला देकर समझाऊंगा जहाँ साबित होता है कि औरतों की तालीम जरूरी है। पहले हर मुसलमान मर्द और औरत साथ स्पेसिफाई किया गया है, औरत का भी लफ्ज आया है, पर इल्म हासिल करना फर्ज है। क्लियर? फिर आया तलीम हासिल करो, खा तुम्हें चीन जाना पड़े। वहां ये नहीं कहा गया मर्दों को कहा गया, उधर कहीं कहा गया ऐ मर्दों, नहीं। दो, तीसरा तलीम हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की कब्र तक। कब्र क्या दे रहे हैं? मतलब यहां इस तरह के मफहूम है, अल्लाह कम के शिफा फरमाए। ये इस अहदीस से साबित होता है। एक में स्पेसिफाई कर दिया औरत पर भी लाजम करार दे दिया। आप कहते हैं शरीयत में इल्म ही नहीं है और तो पाबंदी इल्म हासिल करना पड़े, कहाँ है? आप अगर अपना शरीयत के दायरे में रहते हो, अगर आप तलीम हासिल कर रही हैं, को एजुकेशन में बिल्कुल गलत है। शरीयत के अंदर को एजुकेशन भी को गलत है। अदारे अलग बनाए उनके, यूनिवर्सिटी के अलग बनाए, बाहिजाब जाए, हिजाब में आए, गोल्ड मेडल हासिल करें, जो मर्जी करें, कहाँ मना किया? इसकी सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे, अम्मा आयशा से अपनी बेटी की तलीम तरबियत खुद की है। अम्मा आयशा से फरमाते थे जो औरतें इस्लामी बहनें आप से सीखने जाती हैं उनको सिखाएं पढ़ाएं। उसके बाद अम्मा खदीजा अल-कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके कारोबार थे, तजारत थी उनकी। कौन कहता है इस्लाम के अंदर कारोबार औरत को जाए? कौन कहता है इस्लाम के अंदर औरत को तलीम से करने की? ये एक मिथ है। ये तो अपने पास एक शोषक छोड़ा गया। किसी भी बा इलम बा अमल मुफ्ती से अगर आप रजू करें तो आपको जरूर कहा जाएगा आप कहाँ लिखा है औरत की तलीम। बल्कि इस्लाम के अंदर तो सबसे ज्यादा जोरी तलीम औरत की पर दिया गया, क्योंकि औरत ने घर चलाना होता है और घर से ही बच्चा सारे तलीम तरबियत लेकर निकलता है, घर से ही सारा कुछ निकलता है। पहले दर्जगा ही मां की गोद है। तो इसलिए अलोसर आप गलत इंटरप्रेट ना करें। अगर आप इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं सऊदी अफगानिस्तान के अंदर शरिया लॉ आया है तो उधर औरतों की तलीम जो है वो बैन हो गई है, अगर वो खुद कर रहे हैं वो उनकी अपनी एक अलग सोच है। उसने बात की है।
अब चाहे कोई इंडिया करना चाहता तो करे, नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन उसने जो बात थी ना, जो सच बात थी, ऑथेंटिक बात थी, उसने वो बात की है। अब इंडिया से समझने लग गया, ये इंडियन मीडिया समझने लग गया कि वो तो हमसे जो है ना भीख मांग रहा है, हमसे वो हमें कह रहा है कि जो है ना किसी भी तरीके से हमसे ट्रेड करो, तो ये गलत सोचा है उसने। जस्ट ये कहा कि नेबर कंट्रीज में कितनी, इंडिया के अलावा भी जो कंट्री है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है। आगे एक पॉइंट बड़ा और इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया की तारीफ, पाकिस्तान मीडिया ने कभी भी इंडिया की तारीफ की, ये वे लोग सर आप गलत बोल रहे हैं। इमरान खान ने खुद डॉक्टर जय शंकर अपने अपने जलसे कर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, इनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया की दूसरे कंट्री को आंख दिखाना पॉलिसी की तारीफ की है। और पाकिस्तान की मैं हजारों मिसालें दे लाखों दे सकता हूँ, जो चाहे पाकिस्तान मीडिया ने इंडिया तारीफ की हुई है। आप कैसे कह सकते पाकिस्तान मीडिया तारीफ नहीं करता कि बहुत ज्यादा की, कितनी मरतबा की है? जब इंडिया मैच को जीतता है तो क्या कहते हैं कि इंडिया नाकस कारकर्दगी करते हुए मैच जीत गया, ऐसा कभी कोई किसी ने कहा नहीं। जब भी पाकिस्तान के न्यूज पर ये चैनल इस तरह की न्यूज को चलती है, इंडिया एक अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए, टीम वर्क दिखाते हुए मैच जीत गया, भारतीय सुरमाओं ने मैच जीत लिया, मतलब मुख्तलिफ तरीके से जो है ना। मैं आपको इतनी मिसालें दूंगा कि आप तो हैरान हो जाएंगे, आप पाकिस्तान मीडिया ने इंडिया तारीफ की हुई है। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर पहलू में करते हैं। हम जहाँ इंडिया जिस सेक्टर जिस सेक्टर में, बल्कि ज़्यादातर सेक्टर में वो तरक्की कर रहा था, हम करते हैं तरीक, हम भी करते हैं। क्या मीडिया नहीं है? हम क्या सोशल मीडिया था ना, इसको क्या बोला जाता, सोशल मीडिया ही बोला जाता ना। ये यार इंटरटेनर है, इतने ही ऐसे चैनल है पाकिस्तान के, बोलते हैं यार ऐसे चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स जो करते ही तारीफ हैं तो उनको काउंटर ही नहीं करते, तो वो तारीफ नहीं करते। हाँ काउंटर नहीं करते, वो नहीं करते। हम तो फिर भी गलत को गलत कह सकते हैं, हमारे अंदर पावर है, लेकिन लोग इतना इधर कमजोर हो गए, अपने ईमान इतना कमजोर कर लिया चंद डॉलर की खातर, वो गलत को गलत नहीं कह सकते, तो वो तारीफ नहीं करते। तारीफ ही नाजिया जैसी भौंकी आती है और भौंक भौंक कर चली जाती, लेकिन आगे तो काउंटर कोई नहीं करता, वो तारीफ नहीं है तो क्या है, और इसको क्या कहते हैं? तो अच्छा बाकी ये देखें कि दोनों तरफ की जो है ना मीडिया एक दूसरे के अगेंस्ट भी बोलते हैं, ये भी बात सच है। इंडियन मीडिया से यकीन जाने हमें इतनी खबरें हमें अपनी मीडिया से पता नहीं चलती पाकिस्तान के बारे में, जितने इंडियन मीडिया के बारे में पता चल जाती है। और मैंने कहीं सुना है कि इंडियन भी कहते हैं कि इसी तरह ही होता है कि जो इंडियन मीडिया जो है ना इंडिया की इतनी खबरें नहीं बताती जितनी पाकिस्तान मीडिया बताती है। अच्छा मीडिया खिलाफ भी है और तारीफ भी करती है। फिर बात आई कि इंडिया हमारे जो मजहबी त्यौहार है, ये रस्म रवाज है, वो करता है बदल दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल रही थी लड़की, जो गलत बोल रही है मैं गलत बोल रही। इंडिया कभी आकर नहीं कहा हमें इस्लाम छोड़ दो या अपने रस्म रवाज, बल्कि हमारी शादी ब्याह फौतगी पर रस्म रिवाज अभी तक हिंदुस्तानी चल रहे हैं, इस्लामी नहीं चल रहे थे। हमारी फौतगी हो गई है, कोई मर गया सिवाय फातह खाने के बाकी सारे रस्म और रिवाज, जैसे कौड़ा भट्टा नहीं सॉरी ये भी रस्म है सॉरी इस्लामी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम शरीयत ये कहती है कि जिस घर में मतलब कोई डेथ हो गई है तो लाजम है कि उस घर में तीन दिन रोटी ना पके, बल्कि आस पड़ोस या उसके रिश्तेदार उनकी रोटी पकाए, क्योंकि वो सोग में होते हैं तीन दिन तक। तो ये भी एक इस्लामी चल मान लेते हैं। तो बाकी जो ये मुकान होती है हमारे एक लफ्ज होती है मुकान दे कराना, दूर दराज से सब खाने के फिर जुमरात, मतलब कई ऐसी रस्मात हैं हमारी मतलब डेथ पर, और जो शादी है वो तो टोटली है ही हिंदुस्तानी रस्म पर। आज भी सेराबंदी करना, मायों बिठाना, गाना बनवाना, सेराबंदी करना, उसके बाद जो है अपना ढोल ढमका करना, शहनाइयाँ मारना, छूनियाँ तोड़ना, जो भी मेरे से बात मैंने शादी ब्याह में देखी है सारी की सारी हिंदुस्तानी है। और बिल्कुल ये और जाहिलियत है, जाहिलियत से बाहर निकलना चाहिए, ये वाकई हमारे जो है ना हिंदुओं के अपनाई हुई है,
क्योंकि यार ये हिंदुस्तान जो मतलब सारा इलाका तो जहरी बात इकट्ठे रह तो वो तो लड़की बोल रही थी ना कि हिंदुस्तान में कहता है कि अपने रसूमात चेंज करो, उसको पहले ये बताना चाहिए कि हमारे रसूमात चेंज होने वाले हैं क्या, उनके रसूमात पर पहले ये अमल पैरा है कि नहीं है। हम अगर कल्चर पर कितना झुक रहे हैं तो उन्होंने कभी ऑफिशियली मैंने कहा कि आप अपनी मजहबी रसूमात अदा ना करें या बदल लें, कभी नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। चलें खैर मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड, गॉड ब्लेस यू।